Look who's here. Welcome. Hi. Hi. How are you? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू अच्छी है? I'm good. हाँ जा. Hi Jay. I missed you so much. How are you? Good, good, good. अरे छोड़ भी दे. पूरे 3 साल बाद मिल रही हूँ आपसे. इस बार तो मैं आपको छोड़ने नहीं वाली हूँ. अच्छा, मतलब 3 साल की कसर एक ही बारी में पूरी करनी है. क्या जे, आई थॉट इस बार आप मेरा बहुत अच्छे से वेलकम करोगे, बट आप तो हग करने में भी हेजिटेट कर रहे हो. कोई हेजिटेट नहीं कर रहा, बहुत टाइम है तुम दोनों के पास, गले मिलती भी रहना और पढ़ती भी रहना. दी हाँ? मैं यहाँ बस इसी वीकेंड हूँ, फिर मैं पीजी शिफ्ट हो जाऊंगी. क्यों क्यों पीजी शिफ्ट होना है? घर है तेरा, क्या हो गया? एक्चुअली मैं आप दोनों की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ. कोई प्राइवेसी, कोई एक्साइटमेंट नहीं है. क्या बोल रही हो? इज इट ट्रू जे? अब तेरी दीदी बोल रही है तो सच ही होगा. मतलब इट्स टाइम टू ब्रिंग सम एक्साइटमेंट इन योर लाइफ अगेन. हां अरे क्यों नहीं, अब तू आ गई है तो एक्साइटमेंट तो अपने आप ही आ जाएगी. एक्साइटमेंट का दूसरा नाम सैम, यानी तू ही तो है. वो तो है. एक बात बता, ये तू हमारी प्राइवेसी के बारे में पूछकर कहीं अपनी प्राइवेसी का सीन सेट तो नहीं कर रही? चक्कर वक्कर तो नहीं चला तेरा इस शहर में? शिट, पकड़ी गई. प्लीज मम्मी डैडी को मत बताना, वरना वो मुझे नेक्स्ट फ्लाइट से घर बुला लेंगे. इतनी मुश्किल से उन बुड्ढों से पीछा छुड़ा के आई हूँ. पिटाई लगाऊंगी तेरी. ऐसे बोलते मम्मी पापा को? लगाऊंगी एक. छोड़ो जे, आपको पता है ना बचपन से आप ही मेरा क्रश हो. अगर दीदी ने आपको मुझसे पहले चुराया ना होता तो यू नेवर नो. अभी भी देर नहीं हुई है, तुम दोनों के पास बहुत टाइम. हाइड एंड सीक खेलते रहना पूरे घर में. नमस्कार, मैं आनंद शर्मा गुनाह के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ. वो कहते हैं ना, साली आधी घरवाली होती है. जीजा साली का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसे हमारे समाज में बड़े ही प्यार और मजे के साथ देखा जाता है. उनके खट्टे मीठे किस्सों को बड़े ही चटपटे अंदाज में सुना और सुनाया जाता है. यही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई भी पत्नी अपने पति को फ्लर्ट करता देख माइंड नहीं करती, बल्कि वो जीजा साली की शरारतों को एंजॉय करती है. हमारी आज की कहानी इन्हीं 3 किरदारों पर आधारित है, पति पत्नी और साली, यानी कि आधी घरवाली. ये सैम का मुझे समझ ही नहीं आता, किसी एक चीज पे स्टिक नहीं होते. बचपन में बोलती थी मुझे एयर होस्टेस बनना है, अभी 6 महीने पहले बोलती है मुझे सिंगिंग करनी है, और अब उसे फैशन डिजाइनिंग करने का भूत सवार हो गया. पता नहीं ये लड़की अपनी लाइफ को लेके कब सीरियस होगी. क्या होगा इसका प्रॉब्लम? क्या है इसमें? अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर रही है, हर किसी को नहीं मिलता है मौका. आई थिंक शी विल डू इट. हाँ, और एक और बात, मुझे घूमने उमने का बहुत शौक है. आज लॉन्ग ड्राइव पे चलो, कल पिक्चर चलो, परसों कहीं और चलो, मुझे इन सब में मत डालना, तुम देख लेना. मैं देख लूंगा, तुम दोनों अपना हैंडल कर लेना. ठीक है फिर, गुड नाइट. उल्टी बुक कौन पढ़ता है यार? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? उस दिन भी तुमने मुझे जेक के सामने डांट दिया था. मम्मी नहीं हो तुम मेरी, क्या मैं जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती? यहाँ इधर
बच्चा है तू मेरा। आप ये बताओ जेब कहाँ है, वो कब आएंगे? पता नहीं, जब आएगा तब आएगा। क्यों, आप उन्हें कॉल नहीं करती? यू डोंट कॉल हर एंड आस्क कहाँ हो बेबी, कब तक आओगे? शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, बाद में सब खत्म हो जाता, कुछ नहीं बचता। अच्छा एक बात बताओ, आप उस दिन भी बोल रही थी कि अब वो एक्साइटमेंट नहीं रहा आपकी लाइफ में, ऐसा क्यों बोल रही थी? इज देयर एनी प्रॉब्लम? सैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे नहीं पता तू क्यों ये फालतू की बातें कर रही। सब छोड़ो, बताओ तुम्हारा दिन कैसा था। अच्छा तो यहाँ पे छुपे हो आप। आजा आजा, तू भी आजा। और क्या चल रहा है तेरा आजकल? कौन सा है तेरा आजकल का लेटेस्ट नॉटी सीक्रेट? मैं क्यों बताऊं? इस बार मैं चाहती हूँ कि आप मेरा सीक्रेट खुद बताएं। अच्छा, तो अभी से मुझे मिशन पे डाल दिया? यस। ओके, तू बोल रही थी ना बॉयफ्रेंड्स, कब बुला रही है अपने बॉयफ्रेंड्स को नाइट आउट पे? क्या दे, आजकल आपके जैसे स्मार्ट लड़के मिलते कहाँ हैं? सब एक से बढ़कर एक नमूने हैं। अरे तो कोई तो नमूना होगा जिसने तेरे दिल के स्पेशल कोने में अपनी स्पेशल जगह बनाई होगी। सीधे प्रॉब्लम इज यू आर माय बेंचमार्क एंड मैं हर लड़के में आपकी पर्सनालिटी ढूंढूंगी। जिस दिन मुझे वैसा लड़का मिल जाएगा उस दिन मैं आपको छोड़कर उसके साथ लिव इन में शिफ्ट कर दूंगी। अरे यार, ये तो मेरे पेरेंट्स से बहुत बड़ी गलती हो गई। उनको मेरे अलावा एक और कांड कर लेना चाहिए था, तेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती। क्लासरूम में बैठे हो क्या? कितने बोरिंग हो यार तुम लोग। गिव मी अ लवी डवी पोज, रोमांटिक पोज दो मुझे अच्छे से जल्दी से। आई नीड अ वेरी गुड क्लिच। क्या चालू है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू सैम? ये फोटो वो फोटो ऐसे वैसे नहीं करना मेरे को, तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा? एक काम करो, दोनों कर लो। पागल कर दिया है। तेरे को तेरी दीदी का पता नहीं है क्या? बचपन से ड्रामेबाज है वो, अभी भी ड्रामा कर रही है तुझे दिखाने के लिए। आई एम नॉट अ किड जे, कुछ तो प्रॉब्लम है। बिकॉज जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ आप दोनों साथ होके भी साथ नहीं। संजू को मैंने पिछले एक साल से टच भी नहीं किया। मेरा मतलब है मेरे और संजू के बीच में पिछले एक साल से कोई फिजिकल रिलेशन नहीं। मतलब संजू मां नहीं बन सकती। जब से डॉक्टर ने हमें ये बात बताई संजू की लाइफ जैसे एकदम खत्म हो गई। लाइफ से इंटरेस्ट ही चला गया, इरिटेटेड रहती है, ढंग से बात नहीं करती। मैंने बहुत मनाने की कोशिश करी बट सुनती नहीं है मेरी। मैंने सजेस्ट करा कि हम ऑर्फनेज से बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं पर नहीं। टच भी करता हूँ ना उसे, इरिटेट हो जाता है। एक बेड पे सोते हैं हम साथ, स्ट्रेंजर्स की तरह। सी, बहुत बेसिक से स्टेप्स हैं जी। आपको इस साइड आना है एंड दी आपको इस साइड आना है एंड यू हैव टू होल्ड ईच अदर्स हैंड एंड दी रोल करके आएंगी आपकी बाहों में एंड आप लोगों को मुझे एक रोमांटिक सा पोज देना है। गॉट दैट? आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस, मुझसे नहीं होगा। दी, मुझसे भी नहीं होगा। अरे होगा क्यों नहीं होगा, कम ऑन, कम कम कम। अरे मैं नहीं कर सकता यार, प्लीज अंडरस्टैंड। अरे होगा होगा होगा। नहीं कर सकता, प्लीज कम, नहीं हो पाएगा। अरे होगा, कम भी।
बोलो ना, हो जाएगा काम। कम ऑन गो, चलो होल्ड ईच अदर्स हैंड, पकड़ो ना। ओके जस्ट आपको है ना रोल करना है। बस बस रुक जा, समझ गया मैं, तू बैठ तेरे को करके दिखाते हैं। नहीं होगा ना, मुझसे बोल रही हो ना, तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा, नहीं होगा मुझसे। आई कैन नॉट बिलीव दिस, इससे अच्छा तो मैं पीजी में ही रहती। थैंक यू सो मच मेरी पार्टी स्पॉइल करने के लिए। मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे? डांस करने को ही तो बोल रही थी ना, पहले भी तो किया है हमने, कर लेती ना, मूड ऑफ हो गया ना उसका। हाँ तो मुझे नहीं करना किसी के साथ डांस, तुम्हें करना है जाके करो उसके साथ डांस, मनाओ उसे जाके, पहले और अब में फर्क है। मुझे परेशान करना बंद करो। सैम, प्लीज जे, जाओ यहां से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। सैम मैं अंदर आ रहा हूं। क्या मैडम, कल तो बोल रही थी कि मैं बच्ची नहीं हूँ, आज खुद बच्चों जैसा बिहेव करने लगी। मैं बच्चों जैसा बिहेव कर रही हूँ कि आप कर रहे हो? आई अंडरस्टैंड सैम, तू क्या करने की कोशिश कर रही है, बट बिलीव मी इट्स नॉट दैट सिंपल। अगर इतना आसान होता तो मैंने अभी तक कर लिया होता। तू तो जानती है तेरी बहन इस वक्त किस जोन में है। इट्स नॉट दैट ईजी यार। ओ, सुन, एक सिर्फ तेरी बहन है जिसे मैंने आज तक मनाया है, और दूसरी है तू। वो तो मानी नहीं, तू ही मान जा यार प्लीज। क्या करा रही थी अंदर, नचा रही थी हमें? चल डांस करते हैं। आपको तो नाचना नहीं आता ना? तू सिखाएगी ना मुझे? चल चल चल। कहाँ जा रहे हो आप? डांस करने, संजू के सामने डांस करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? आपने देखा नहीं क्या किया उन्होंने बाहर आपके साथ? उन्होंने धक्का दिया है आपको, एंड अभी भी आप उन्हीं की साइड ले रहे हो। हम तो डांस यहीं पर करेंगे, आप और मैं। आपको डांस करना है या नहीं, या मैं फिर गुस्सा हो जाऊं? अरे क्या तू बात बात पे धमकी देती रहती है यार। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब सिर्फ डांस। ओके। ऐसे डांस करते हैं क्या? वैसे करो ना जैसे आप संजू के साथ करते हो। अग्री हो तो बोलो, वरना वो राड हो। ओके, लेट्स डांस। Thank you.
आपको मेरा सीक्रेट जानना था ना? आप हो मेरा सीक्रेट। मतलब? मतलब क्या? आई लव यू। तो उसमें क्या है? आई आल्सो लव यू। आप कितने बुद्धू हो ना, आपको समझाना कितना डिफिकल्ट है। प्यार समझते हो आप? प्यार करती हूँ आपसे, बचपन से लेकर आज तक आपसे प्यार करती आई हूँ। एंड उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि कभी किसी से शादी नहीं करूँ। जब आपकी और संजू की शादी हो रही थी तब मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं आपको वो प्यार देना चाहती हूँ जो आपको दी नहीं दे पाई। आपने अपनी फीलिंग्स आज तक किसी से शेयर नहीं की, लेकिन मैंने वो फील किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप मेरे जे हो या वो मेरी दी है। मुझे कोई रिश्ता समझ नहीं आ रहा है अभी। मुझे बस ये समझ आ रहा है दैट आई लव यू। क्या बोल रही है तुम? यू नो आई लव संजू। मैंने तुझे कभी इस नजर से नहीं देखा। मेरे और संजू के बीच में कुछ भी चल रहा हो इसका मतलब ये नहीं कि आई डोंट नो कि मैं तुझे इस वक्त क्या बोलूं। पागल हो गई है तू? क्या कर रही है? दिस इज रॉन्ग। आपको ये रॉन्ग लग रहा है सर? सैम, गुस्सा मुझ पे है तो खाने पे क्यों निकाल रही है? खाली पेट लड़ाई नहीं करते। जल्दी आ जा। तेरे फेवरेट पराठे बनाए हैं, मुझे पता तुझे पराठे कितने पसंद है। आ जा आप जल्दी, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। ओहो, ये लड़की कितना नाराज है मुझसे कि आ भी नहीं रही है। आ जा जल्दी। तेरे जीज भी नहीं खा रहे। ऐसे बोलने से आ जा। आ जाओ। आ गई। नाराज है मुझसे? नाराज मुझसे? मुझे पता तुझे कैसे ठीक करना है। अरे नहीं छोड़ो। अच्छा बैठ। चैटिंग से पेट नहीं भरता, खाने से भरता है। आ करो सैम। आ लड़की। अब तुम कौन सी दोस्त को मैसेज कर रहे हो? मना किया ना, डाइनिंग टेबल फोन अलाउड नहीं है। नेक पे क्या हो तुम्हारे? वो
रात को मकड़ी काट गई थी। मकड़ी? बहुत बड़ी मकड़ी थी वो, भयंकर मोटी वाली। मैं तो रोज सफाई करती हूँ, फिर से कर दूंगी। मैं आपको मकड़ी लगती हूँ, वो भी मोटी। और क्या, भयंकर वाली मोटी मकड़ी। मोटी मकड़ी? मोटी मकड़ी। तो अब मैं बताती हूँ कि मोटी मकड़ी आपको कहाँ कहाँ कैसे वाइट करती है। आओ! कैसा लगा? अभी और मजा चकाती हूँ। मैं, अगर मैंने देखो बाइट करा ना तो लग जाएगी तेरे को। लगने दो, मैं बता रहा हूं, मत कर, देखो लग जाएगी। सैम? यस दी। तुम इतनी जल्दी सो रही हो? नहीं दी, जस्ट टेकिंग अ नैप, आज लेट नाइट स्टडी करना है ना। तुमने सिद्धांत को कहीं देखा क्या? मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, कुछ बोल के गया तुमको? नहीं दी, शायद वो टेरेस पे होंगे। You want me to call him? No need. अगर टेरेस पे गया तो अकेले रहना चाहता होगा। जब भी उसे मी टाइम स्पेंड करना होता है ना, वो टेरेस पे चला जाता है। आई नो, इसलिए मैं भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। ठीक है, तुम रेस्ट करो। गई। मरवाएगी तू। आज से मैं आपकी मकड़ी और आप मेरा चूहा, मोटा चूहा बट अ वेरी क्यूट चूहा। चूहा और बिल्ली का खेल तो आपने कई बार देखा, लेकिन चूहा और मकड़ी का खेल हम पहली बार देख रहे हैं। पर यह खेल आखिर चलेगा कब तक? सिद्धांत और समयरा के बीच बढ़ती नजदीकियां क्या संजना की नजरों से बच पाएंगी? वही संजना जो मजाक मजाक में जीजा साली की शरारतों को बढ़ावा देती आई थी। लेकिन जब संजना को जब यह पता चलेगा कि जीजा साली का यह खेल अब खेल ना होके एक सीरियस रिश्ते में बदल चुका है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? क्या संजना इस नए रिश्ते को सहन कर पाएगी? क्या सिद्धांत, जो अपनी बीवी की बेरुखी के बाद भी उसे बेइंतहा प्यार करता था, उसकी केयर करता था, उसकी कद्र करता था, उसके पास काफी मौके होने के बावजूद भी वो अपनी बीवी के प्रति ईमानदार था, क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? या फिर वो समायरा के प्यार में और उलझता चला जाएगा? समायरा, जिसका बचपन से ही अपने जीजा पे क्रश था, जो बचपन से ही अपने जीजा को एक तरफा प्यार करती आई थी, उसके साथ संबंध बनाने के सपने देखती आई थी, और फाइनली जब उसको अपने प्यार का प्यार हासिल हो गया, तो क्या वो अपने प्यार को कायम रख पाएगी? कहते हैं हर खेल का अंत कभी ना कभी जरूर होता है।
क्या इस खेल का अंत भी निश्चित है? और अगर है तो इस खेल का अंत कैसा होगा? किसकी जीत होगी, किसकी हार? दोस्तों, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें जीतने वाला जीत कर भी हार जाता है और हारने वाला तो वैसे भी हार चुका होता है। तो इस खेल का अंत कैसा होगा, आइए देखते हैं। फास्ट लर्नर को थैंक्स बोल, तेरा असाइनमेंट पूरा करवा रहा हूँ। अभी भी इट्स 9/10। बहुत आ गए, 5 भी नहीं आते थे मेरे। अब 10/10 जब होगा? When you will remove this. एक सेकंड। असाइनमेंट का ही पार्ट है ना ये? I'll take the picture. I think इस वाले शूट में सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। सैंडल्स ले। पढ़ाई करने आई हो या ये सब करने आई हो? असाइनमेंट ही तो कर रही थी दी। असाइनमेंट कर रही थी? पागल समझा क्या मुझे? बेवकूफ हूं मैं, समझ नहीं आता मुझे। ऐसे होते असाइनमेंट? पर क्या ही बोलूं मैं तुमको, तुम बड़ों कोई अकल नहीं। संजू साथ वाले रूम पे अभी डांट खाकर आए। I want to be in this mood. तू आजकल बहुत ज़्यादा डेरिंग हो रही है, खुद तो मरेगी मुझे भी मरवाएगी। अब मुझे ना ये हाइड एंड सीक वाला गेम नहीं खेलना। I want to be free. अब मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। I think we need to take a break. कोई ब्रेक की नीड नहीं है। इसमें सोचना क्या है? We love each other. And वैसे भी आपका और दी का जो रिलेशन है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। Eventually you guys have to separate and you have to marry me. Because living में तो तुम रहोगे नहीं। तू जितनी आसानी से ये सब बातें बोल रही है ना, लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। आई नो लाइफ इतनी इजी नहीं होती है, लेकिन हम अपने डिसीजन से उसे कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। कल ऑफिस की एनुअल पार्टी है, तुम चल रही हो ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है तो फिर मैं शाम को ले जाऊंगा। गुड नाइट।
प्लीज मुझे माफ कर दो। मारा कभी बच्चा नहीं हो सकता, मैं कभी मां नहीं बन सकती। नफरत हो गई थी इस सोच के खुद से, इतनी नफरत हो गई थी कि मैं खुद को हर्ट करने लगी थी। हर्ट करते करते तब तुम्हें हर्ट करने लगी, मुझे पता ही नहीं लगा। तुम्हारे सेंटीमेंट्स, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी जरूरतें मैं सब भूल गई। घर पे तो वो एहसास ना कराती ना, मुझे समझ ही नहीं आता, कभी समझ नहीं आता मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ। उसका हम दोनों को करीब लाने की कोशिश करना, उसका तुम्हारा करीब जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पर तुम बोल सकते थे ना, तुम कंप्लेंट कर सकते थे ना कि बेबी नहीं समझू, तुम गलत जा रही हो, रुक जाओ, क्या कर रही हो। थप्पड़ लगा देते, डांट देते, कुछ तो कर देते। मैं नहीं करती ये सब, मैं तो पागल हो गई थी, तुम तो नहीं हुए थे ना। एक बार तो बोल देते, शायद मैं वापस आ जाती। मैंने जो किया है ना, जितनी बड़ी गलती मैंने की है ना, मुझे उसकी सजा भी उतनी बड़ी मिलनी चाहिए, ताकि कोई पत्नी अपने पति के साथ कभी ना करे ऐसे। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, प्लीज। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मुझे नफरत हो जाएगी खुद से। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। मुझे पता है आपने दी से ब्रेकअप कर लिया है। हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया। इट्स ओवर बिटवीन यू एंड मी। और बेटर यही होगा कि तुम अब किसी हॉस्टल या पीजी में शिफ्ट हो जाओ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये आप कैसी बात कर रहे हो? मुझसे कोई मिस्टेक हुई है क्या? से कोई मिस्टेक नहीं हुई, सारी गलती मेरी थी। तेरी फीलिंग्स तो सच्ची थी, मैं ही बहक गया था। मुझे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड माय मिस्टेक। वी कैनॉट कंटिन्यू दिस एनीमोर। सैम, संजू एंड आई आर ग्रेटफुल, वी आर ग्रेटफुल कि तू यहां रहने आई। अगर तू नहीं आती तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम एक दूसरे से कितना दूर हो गए। शाम का प्लान याद है ना? अच्छा सुनो, ज्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी आ जाना। चलता हूँ। What?
मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करी, तेरा कॉलेज बंक का। चल 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 चलो बैठो बैठो बैठो। तुम्हें पता मैंने सच्चे बहुत सारी बातें करी और आज मुझे टिकट भी चाहिए। आ गई हो तो मेरी हेल्प कर दो, सिद के साथ डेट पे जा रही हूँ मैं। बताओ कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? कुछ चेंज करना तो प्लीज बताओ ना, ड्रेस चेंज करूँ या हेयर स्टाइल चेंज करूँ? बहुत ठीक है, इयर रिंग्स देखो ठीक लग रहे हैं। हेलो बोलना, मेरे को वैसे इतना नर्वस हो रहा है, शाम ही नहीं हो रही, पता नहीं। बोलना, तुझसे बात कर रही हूँ बेबी, क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रही? बताओ ना कैसी लग रही हूँ यार, बोल ना सैम, पता कैसी लग रही हूँ, बता ना। चुप चुप, पूरी दुनिया में मुझे किसी से इतनी नफरत नहीं जितनी तुमसे है। सैम बच्चा, क्या हुआ है? मैं बहन हूँ तेरी, तू कैसे बात कर रही है मुझसे ऐसे? वैसे तो बात नहीं कर, एकदम चुप, एक वर्ड। तू चुप ही अच्छी थी, जिंदा क्यों हो गई है तू? तूने मेरी पूरी प्लानिंग खराब कर दी। तुझे पता है तू मां क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि जब तू प्रेग्नेंट थी उस वक्त मैंने कुछ ऐसा तुझे खिलाया था जिससे तू कभी मां ना बन सके। और तेरे बीच डिस्टेंस आ जाए एंड वो मेरे क्लोज आ जाए, पर उस वक्त मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे तुझे उसी टाइम जान से मार देना चाहिए, पर इट्स नेवर टू लेट। वो तो मैं अभी भी कर सकती हूँ एंड करूंगी भी। छीन लिया था ना, अब फिर से छीनना चाहती है ना? लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है। छोड़ उसका गला। No, I cannot. सैम छोड़, उसे लग जाएगी। सैम क्या कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? I kill you. छोड़ उसे। सैम छोड़ उसे। छोड़ उसे। सैम छोड़। छोड़ उसे। संजू, are you okay? Don't worry.
सैम मैंने कहा था ना, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें किसी की जीत नहीं होती। जीतने वाला जीतकर भी हार जाता है और हारने वाला तो वैसे भी हार चुका होता है। इस खेल का अंत भी दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा ही हुआ है। पर क्या इस खेल से बचा जा सकता था, या इस खेल का अंत कुछ और हो सकता था? कहीं ना कहीं हमारी इस कहानी के तीनों किरदार इस खेल में बराबर के जिम्मेदार हैं। संजना, अगर संजना अपने पर बीती अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पे इतना तीखा रिएक्ट नहीं करती, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने क्रोध और अपने अंदर जन्मी नफरत को कंट्रोल कर लेती, तो शायद आज उसे यह दिन ना देखना पड़ता। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके पास रोने और पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उसकी बेटी समान बहन उसे छोड़ के जा चुकी थी। सिद्धांत, अगर वो समायरा के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता, उसके साथ एक अपवित्र रिश्ते में ना बनता, तो आज शायद समायरा की जान बच सकती थी। संजना के उसकी जिंदगी में वापस लौटाने के बाद उसने जिस तरीके से समायरा के साथ अपने रिश्ते को हैंडल किया, अगर वो उसे और मैच्योर तरीके से हैंडल करता, संजना को अपने और समायरा के बारे में सब कुछ सच सच बता देता, तो शायद संजना समायरा को बेहतर हैंडल करती। समायरा, अगर उसे बचपन से ही प्रॉपर गाइडेंस मिलती, उसकी बढ़ती शरारतों को रोक दिया जाता, उसे बढ़ावा नहीं मिलता, उसको सही गलत का एहसास कराया जाता, तो शायद वक्त रहते वो समझ जाती। दोस्तों, हम जब भी किसी रिश्ते को बढ़ावा देते हैं, हमें इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए कि लाइन कहां पे ड्रॉ करें, क्योंकि एक बार लाइन ड्रॉ होने के बाद उसे मिटाना मुश्किल हो जाता है। पर कुछ लोग उस लाइन से इतना दूर चले जाते हैं कि वापस आना मुश्किल हो जाता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।